अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी खैरियत से हूँ। और दूसरा रोज़ा, दूसरी सहरी जो है उसकी तैयारी करने वाली हूँ। वेलकम टू एन अदर व्लॉग, वेलकम टू ट्विन मेकर्स। और बहुत बहुत आप सबका वेलकम है, न्यू सब्सक्राइबर्स का भी और ओल्ड सब्सक्राइबर्स का भी। आज की सहरी भी रोज़ की सहरी की तरह, कल की सहरी की तरह, अभी तो रोज़ नहीं हुआ, कल की सहरी की तरह आज की सहरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। और सारे नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और ओल्ड सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कंप्लीट वॉच किया कीजिए। और थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट्स का और आप सबके लाइक करने का और आप सबके सब्सक्राइब का। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सहरी बनाने के लिए 3:30 पर तकरीबन मैं उठ जाती हूँ, 3:30 पर। और यहाँ पर जो है वो मैंने एक रोटी को बेल लिया है और आटे में रात को ही बहुत सा घी डाल के तकरीबन एक प्याली से ज़्यादा, तो इसको अच्छे से हम गूंद लेते हैं ताकि सुबह जो है वो जल्दी जल्दी से सारे पराठे बन जाएं। और शुक्र है अल्लाह का, गैस की भी इतना प्रॉब्लम नहीं था और पराठा देखें जी कितना प्यारा क्रंची मज़ेदार पक गया है। इसी तरह से मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं और अब जो है ना सहरी करने के लिए बैठेंगे। सहरी में आज हमने बनाए हैं जी मटन और आलू नहीं, मेथी पालक जो है वो मटन में बनाई है। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया खाकर और बहुत ज़्यादा अच्छी सहरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और बहुत अच्छा दिन था। दिन हुआ है सुबह के टाइम, जब भी मैं सोकर उठी हूँ तो बारिश जो है उसने अच्छा खासा सारा दिन छमाछम लगा रखा। बहुत अच्छा मौसम रहा है और तकरीबन जो है सुबह से बारिश जो है वो शाम तक रही है। और मेरे कारपेट को जो मैंने वॉश किया था तो वो मैंने फिर छत के नीचे उसको फैला दिया और बाकी जो है वो फिर सारा दिन बारिश होती रही। और इस तरह की ठंडी ठंडी सी बारिश में ना दिन का पता ही नहीं चला। और पहला जुम्मा और बारिश और रोज़ा, सब कुछ इतना एक्साइटेड, इतना मज़ेदार। और यहाँ पर जो है अब मैं इफ्तार के लिए कुछ चीज़ें तैयार करके रखने वाली हूँ। चिकन मैं मैरिनेट कर लूँगी, चिकन के विंग्स और मतलब बोन जो वाला जो मीट होता है, चिकन होता है जिसमें हड्डी हो, वो वाला सारा चिकन जो है ना वो मैंने लिया है यहाँ पर। और इसको मैं वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से और इसको जो है ना वो मैं हल्के हल्के से कट्स लगा लूँगी ताकि जो भी मसाला इसको हम लगाएँ वो हमारा इफ्तार तक जो है वो अंदर तक रच जाए और फिर जो है फ्लेवर जो है वो प्रॉपर रेडी हो जाए। यहाँ पर जो है वो मैंने अब कट लगाने विंग्स को शुरू किए हैं, विंग्स और बाकी हड्डी वाला जो भी छोटा छोटा जो होता है सारा मीट मैंने यहाँ पर जो है ना मैरिनेट करके रख लिया। और यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन एक बोनलेस, एक चिकन का बोनलेस मैंने सारा ले लिया है। और इसको मैं अब दरमियान से जो है ना वो लग लग कर लूँगी। और आज हम एक नई आइटम भी तैयार करेंगे और उसका नाम है जी चिकन थ्रेड। और चिकन थ्रेड के लिए ये जो देखें, अब हमने यहाँ पर जो है ना चिकन के ना बारीक बारीक से पारचे से काट लेने हैं और उसको फिर हम मैरिनेट करेंगे। तो आपने जो है वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। और आप कैसी कैसी सहरियाँ और इफ्तारियाँ बनाते हैं ये भी मेरे साथ शेयर किया करें। यहाँ पर देखें जी, अब मैंने इसको बारीक बारीक जो है ना वो स्लाइसेस में इसको मैंने कट कर लिया है। ज़्यादा मोटा स्लाइस नहीं रखना क्योंकि ये फ्राई होगा और जब ये फ्राई हो तो ये अच्छे से पक जाए। तो इसको लंबा लंबा मैंने इसको कट कर लिया है, फिंगर जैसे फिंगर चिप्स बनाने के लिए करते हैं चिकन फिंगर चिप्स, उसी तरह से इसको लंबा लंबा मैंने कट कर लिया। यहाँ पर कट करके इसको मैंने रख दिया है। और जो विंग्स मैंने कट लगा कर रखे थे उसमें मैंने नमक सिरका और पानी डाल के इसको आधे घंटे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से इनका ब्लड वगैरह साफ़ हो जाए। और मैं हमेशा ही हड्डी वाला जितना भी चिकन होता है जो भी मैं फ्राई करती हूँ उसको मैं इसी मेथड से ज़रूर गुजारती हूँ ताकि अगर अंदर थोड़ा बहुत भी ब्लड है तो वो निकल जाए। और आज जो फ्राइडे का जो रोज़ा था हमारा, बारिश तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, बट लाइट वालों ने बड़ा तंग किया आज, तो लाइट वालों ने ना बहुत ही सताया है। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन थ्रेड है उसके लिए जो चिकन को मैं मैरिनेट करने वाली हूँ, टीस्पून के हिसाब से ही मैं इसको करूँगी। एक टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ पर चिली फ्लिक्स ली हैं
और एक टीस्पून ही यहाँ पर जो है वो मैं इसमें नमक शामिल करने वाली हूँ, और एक टीस्पून ही यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसमें सुरख मिर्च जो पाउडर होती है उसको मैंने शामिल करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स इसमें, क्योंकि रमज़ान है तो ज़्यादा स्पाइसी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इफ्तार के लिए सब कुछ मनासब मनासब सी नमक मिर्च के साथ बनाएं तो बहुत मज़ा आता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया है, चंद ड्रॉप्स मैंने इसमें सोया सॉस के डाल दिए हैं, और चंद ड्रॉप्स जो मैंने वो इसमें सिरके के भी शामिल कर दिए हैं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से कर दिया है मिक्स मिक्स मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने रख दिया था रेस्ट पर। इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके रख दिया था। फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो है ये एक डिश हमारी हो गई रेडी तकरीबन। अच्छा, दूसरी जो है इसका पानी मैंने निकाल दिया चिकन का। यहाँ पर इसमें भी जो है वो मैं साल्ट जो है वो 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी, और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1 टीस्पून जाएगा, थोड़ा सा इसमें जाएगा सूखा धनिया, और यहाँ पर चंद ड्रॉप्स जो जाएंगे वो जाएंगे सोया सॉस के। तो बस ये इसी तरह से सारा जो चिकन को है ना वो मैंने अच्छे से मैरिनेट करके इसको मैंने अच्छे से हाथों से और मिक्स करके इसको फिर मैंने रख दिया था, ताकि इसको भी जो इसके अंदर मसाला है वो रच जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें लेमन का भी वो क्यूब एक शामिल करने वाली हूँ, लाइट जाने की वजह से क्यूब्स मेरे पिघल कर वो एक स्ट्रेट सी शीट सी बन गई। खैर, मेरे काम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्टोर करने का फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर देखें जी, दोनों चीज़ें मैरिनेट हो गई हैं। मैरिनेट करने के बाद इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा और हल्का सा चिकन पाउडर डाल के इसे फिर से मैरिनेट करके मैंने रख दिया था, और इसको जो है ना ये इसी प्रोसीजर से गुजारें तो ये बहुत ही मज़े के चिकन थ्रेड बनते हैं। और मैंने ये रेसिपी जो है वो फूड फ्यूजन से देखी थी, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की हल्की फुल्की सी चेंजिंग की हैं, वो चीज़ें शामिल की हैं जो हम लोग ईज़िली हमारे घरों में अवेलेबल हैं उसी से बना लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भी अवेलेबल होती तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं घर के मसालों से। तो यहाँ पर ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अच्छा जी, विंग्स भी मैरिनेट हो चुके थे अच्छे से 2-2.5 घंटे के बाद। इन पर मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो मैदा डाल दिया है। लाइट हमारी जा चुकी है और मैं सारे काम जो है वो रिंग लाइट को ऑन करके उसी के साथ कर रही थी और चलता ही चला जा रहा था। मोटा मोटा सा इसके ऊपर मैंने बेसन डाला है तो ये सारा अच्छे तरीके से इसको चिपक गया है। इसको अब जो है ना वो मैं बारी बारी कुकिंग ऑयल गरम हो गया है कढ़ाई तब तक, और अब इसमें जो है ना वो मैं चिकन जो है वो सारा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पूरे तकरीबन 5 बजे मैं किचन में आ गई थी इफ्तार बनाने के लिए। उसकी वजह ये कि फिर काफ़ी कुछ तैयार करना होता है, तो तकरीबन हमारे यहाँ पर जो इफ्तारी है वो हो रही है 6:19 पर, तो उसके मुताबिक फिर मेरे पास जितना टाइम था तो मैंने सारा काम जो है ना वो जल्दी जल्दी कर लिया। 5:15 हो गए हैं और बारिश देखें जी कैसी रिमझिम है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, और ये देखें कैसे ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और लाइट जो है वो ऑफ है, और मैं बना रही हूँ किचन में चिकन फ्राई कर रही हूँ। तो देखें अभी मैंने जस्ट मैरिनेट कर किया है और अब मैंने इसको जो है ना फ्राई के लिए स्टार्ट कर दिया, और बारिश इतनी ज़बरदस्त है कि सर्दी महसूस हो रही है, ठंड लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिया है समोसा पट्टी, रोल पट्टी, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसको मैंने अलग अलग कर लिया पहले सारी को, और फिर एक दूसरे के ऊपर रख के इसको जो है वो मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। अगर आपके पास किचन की नाइफ़ है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, सॉरी नाइफ थे से तो मैं कर ही रही हूँ, सीज़र, किचन सीज़र मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लाइट ऑफ थी, तो अगर वो हो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। रोल बनाकर इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे ये ज़रा टाइम जल्दी हो जाएगा, ये टाइम सेविंग है ज़रा, और वैसे अगर करें तो ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको ये देखें जी, मैंने बारीक बारीक जो है ना वो कट कर लिया, इसका एक रोल बनाया और रोल को मैंने कट करके अब इसको मैं अलग अलग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से इसको अलग अलग कर लें, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो आप मैदा या कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे तरीके से आप कर लें मिक्स, और ये जो चिकन थ्रेड के आपने बनाए थे पीसीस इनको आप इसको अच्छे तरीके से लगा लें, और फिर लगाने के बाद आप इसको डीप फ्राई करें और आपके ये जो चिकन थ्रेड हैं ये रेडी हो जाएंगे। लाइट ऑफ होने की वजह से और अफरा तफरी की वजह से इसकी फ्राई की जो वीडियो है वो शायद स्किप हो गई है मुझसे कहीं, तो यहाँ पर ये देखें बस इसी तरह से इसको मैरिनेट करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, जितने दिन भी आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखना चाहें ईजीली आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे निकाल के फ्राई करके
नहीं रोज़े में नहीं भाई, फ्राई के टाइम, मतलब इफ्तार के टाइम चिकन मैंने सारा फ्राई कर लिया था। और चिकन को फ्राई करने के बाद सॉस में हमने मेरी सॉस डाली है, ये सॉस मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ, टमाटो सॉस, जो कि मैंने इसकी रेसिपी पहले भी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसमें जो है ना वो मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है केचप की सॉस के साथ, और इसके ऊपर थोड़े से स्प्रेड करेंगे तिल, रोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल। और ये देखें जी, ये भी तैयार होगी। पकोड़े भी फ्राई कर लिए मैंने, पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे। और ये देखें, ये चिकन थ्रेड जो है ना फ्राई होने के बाद इस तरह से हो गए थे। अभी पकोड़े जो हैं वो मैं आलू डाल के दूसरे पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा कुछ तैयार कर लिया और टाइम से पहले ही बैठे हैं इफ्तार के लिए। और अल्लाह का शुक्र है जी, यहाँ पर अज़ान की आवाज़ आई है और सब ने जो है ना इफ्तारी शुरू कर दी थी। और शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा दिन गया, बहुत अच्छा रोज़ा गया, बारिश और जुम्मा और सारी एक्साइटमेंट एक साथ। अच्छा जी, यहाँ पर अब जाहिर है जब इतना कुछ फ्राई हो, इतना कुछ बने, तो किचन का तो कुछ ना कुछ बुरा हशर होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो है वो देखें, मैंने अब किचन की सफाई शुरू की है। और इस टाइम बाहर बारिश से छत और ऊपर इस कदर ठंडी बर्फ़ जैसी हवाएं चल रही थी कि मैंने पिछले दिनों अपने लॉन के कपड़े निकाल लिए थे, गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल लिए थे, लेकिन वो मैं पहन नहीं पा रही हूँ। मैं अभी जो है वो सर्दियों वाले खद्दर के कपड़े पहन रही हूँ, मुझे इस कदर सर्दी जो है ना वो महसूस होती है। और ब्लैंकेट मोटे वाले संभाल दिए हैं, और अब जो है ना हम लोग वो दूसरे एसी ब्लैंकेट्स जो हैं वो उनको जो मैं डबल करके रात को यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस तरह से जो है ना वो सर्दी महसूस होती है, इस कदर सर्दी लगती है। यहाँ पर देखें जी, मैंने सारा जो है वो चूल्हा और शेल्फ जो है वो साफ़ कर ली है अच्छे से, सोप लगा के, फिर गीले कपड़े से उसके ऊपर टिशू फेर के अच्छे से साफ़ कर ली, बर्तन धो लिए। अब यहाँ पर जो है मैं किचन धोने लगी हूँ, किचन धोने की तैयारी ही कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने आवाज़ दी कि चलो किचन साफ़ करके अब मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। मैंने कहा अच्छा, थक तो मैं गई हूँ, आप मेरे लिए बना के लाएँ? तो कहने लगे नहीं जी, तुम ही बना के लाओ चाय। तो मैं अब यहाँ पर जो है देखें, किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया। और जब किचन मैं साफ़ कर लेती हूँ, मुझे बड़ी दिली खुशी होती है इस तरह के ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय का, तो फिर अपना ही मज़ा है। लेकिन अगर मैं बैठ जाती और ये बनाकर लाते तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता, पर खैर मैंने बना दी, उन्हें मज़ा आएगा पीकर। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने दूध लिया है चाय बनाने के लिए, तो मैंने आपसे शेयर करना था कि यहाँ पर ये जो देखें जी, ये सिलिकॉन लिड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये सिलिकॉन के ढक्कन लिड बने होते हैं, और ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, 100% रेकमेंडेड हैं जी। और ये जो लिड हैं ये आप जग पर, ग्लास पर, बाउल पर, किसी भी चीज़ पर, जो भी आप फ्रिज में रखने लगे हैं या बाहर आप रखते हैं उसे आप टाइटली बंद करना चाहते हैं, तो ये आप लगा के इसको रख सकते हैं। और फ्रिज के लिए ये ज़्यादा बेहतर इसलिए भी हैं कि अगर आप दूध को फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में अगर कोई और चीज़ पड़ी हो जिसकी स्मेल फैल जाए, जैसे कि सब्ज़ मिर्चों की लाजम फैल जाती है, फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें तो वो लाजम फैल जाती है, और जब वो फैल जाती है तो फिर चाय का मज़ा बिल्कुल नहीं आता, दूध भी नहीं पिया जाता। तो उसके लिए ये बिल्कुल मज़े की चीज़ है, 100% रिकमेंडेड है। जिस किसी को भी ज़रूरत हो वो इंस्टाग्राम से इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मिक्स करके और इसको जो ना वो मैंने स्ट्रॉन्ग सी टी बनाई है, ताकि अब थोड़ी सी सर्दी भी कम लगे और थोड़ी सी चुस्ती सी आ जाए, क्योंकि जाहिर है इतना ज़्यादा खा पी के वो जो सुस्ती पड़ती है ना, उसका क्या ही बताऊँ। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, मुझे रहता है आप सबके मैसेजेस का, कमेंट्स का इंतज़ार। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ये बिल्कुल फ्री है जनाब। और दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरे, अपने आसपास अपने गरीब बहन भाइयों की भी ज़रूर मदद कीजिए और सबको सपोर्ट कीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, गरम गरम चाय के साथ मैं लगा रही हूँ चाय की चुस्कियाँ। और अल्लाह हाफिज़, बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।